शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पुरानी पाठशाला, माँ ने कहा था कि मुझसे अनुमति लिए बिना राजभवन से बाहर मत जाना। मुझे शीघ्र ही उनसे अनुमति लेनी होगी। अरे दाइमा, आप दूध लेकर यहाँ आ गए? मारुति दूध पीकर नहीं गया? माँ, माँ, क्या मारुति प्रतियोगिता के लिए राजभवन से बाहर? पहले मारुति आज्ञाकारी बालक की तरह दूध पिएगा, तत्पश्चात माँ मारुति की कोई भी बात सुनेगी। अरे आज मारुति अंजन भी लगवाना भूल गया। सेविका, अंजन की डिबिया लाओ। तो माँ की आज्ञा के अनुसार मारुति ने दूध पी लिया। अब माँ, क्या मारुति राजभवन से बाहर पुरानी पाठशाला में? हर हर महादेव, ये दर्पण तो रुक जाइए आर्य पुत्र। को विलंब हो रहा है, उसके सारे मित्र उसकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। बताइए ना माँ, मारुति उसकी प्रतियोगिता के लिए जाएगी नहीं? वहीं पर स्थिर खड़े रहो। यदि तुम्हारा पांव कांच के टुकड़े पर पड़ गया ना, तो तुम आहत हो सकते हो। माँ, अनुमति। हाँ हाँ, जाओ बाहर जाओ। माँ, मारुति जाए ना। हाँ तुम जाओ पुत्र, मैं कांच उठवा रही हूँ। माँ आप कितने अच्छे हो। मैं जब तक जीवित हूं आपको मैं ये भूल नहीं करने दूंगा। मैं जानता था उस मरकट के लिए तुम मुझ पर हाथ अवश्य उठाएगा। तो ले अब अपने इस दुस्साहस का स्वाद भी चख ले। ले और ले। मुझ पर हाथ उठाएगा कपटी, देशद्रोही, दुराचारी, जो उस मरकट के स्थान पर मैं तुझे ही मार दूं, ना तू रहेगा और ना ही तेरी उस मरकट से मित्रता होगी और ना ही सत्य होगी नारद जी की भविष्यवाणी।
पास इतना ही बल है। अभी तो बस हाथ उठा है मेरा, और अभी से ये दशा है तुम्हारी, और यदि मेरी प्राण घातक गदा तुम पर उठ गई तो तुम फिर कभी उठ नहीं पाओगे। मुझे जितना मारना है मार लो भैया, किंतु अपनी अंतरात्मा को मत मारो। चाहिए मुझे तुम्हारा ज्ञान धूर्त पाखंडी। तूने अपने मृत्यु का आह्वान किया है मूड सुग्रीव। किसी निहत्थे और विक्षिप्त पर शस्त्र उठाना मुझ महानतम को शोभा नहीं देता। मुझे रोकने चला था नल, मारुति अभी तक क्यों नहीं आया? मैं भी यही विचार कर रहा हूँ मित्र। मारुति तो एक पालक है, वो कहीं रास्ता तो नहीं भटक गया? हमें उसे अपने साथ ले आना चाहिए था। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सति हुलोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के मरकट मरकट मरकट। तेरी रक्षा के लिए मेरे मार्ग में आने वाले प्रत्येक कंटक को मुझ महानतम वाली ने दूर कर दिया है। वाली, मुझ महानतम के मार्ग में पुनः बाधा। और किस किस को अपने मार्ग से हटाओगे वाली? कौन है जो मुझ महानतम को केवल वाली कह के पुकारने का दुस्साहस कर रहा है? हाँ, हाँ, मैं इंद्रदेव। मेरे अंश से जन्म लेने के कारण एक प्रकार से मैं आपका महानतम पुत्र और आप मेरे पिताश्री हुए, किंतु आप असमय यहां। जिस पिता का पुत्र सत्य मार्ग से विमुख हो जाए उस पिता को समय असमय का बोध ही कहां रहता है।
बस इन्हीं के समझाने की कमी थी। अब मैं भी तुम्हारे मार्ग में खड़ा हूं, तो क्या तुम मुझे भी अपने मार्ग से हटाना चाहोगे, जैसे कि तुमने सुग्रीव के साथ किया? ये आप क्या कह रहे हैं? आप मेरे पिताश्री हैं, मेरे पूजनीय हैं, आदरणीय हैं। आदरणीय, पूजनीय, कदाचित तभी तुमने अभी तक मुझे प्रणाम नहीं किया। ज्ञान गुण सागर जय कपी सति लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनि पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमद निवार सुमति के संगी कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूज जने साजे शंकर सुवन केसा राम लखन सीता मन बसिया। प्रणाम तो तुमने कर लिया पुत्र, अब परिणाम की बात करें। परिणाम? आप किस परिणाम की बात कर रहे हैं पिताश्री? मैं तुम्हारे दुष्कर्मों के परिणाम की बात कर रहा हूँ वाली। महानतम वाली कहिए पिताश्री। एक छोटे बालक की हत्या की योजना करने वाला कभी भी महानतम नहीं कहला सकता वाली। तुम मुझसे कभी भी कुछ नहीं छुपा सकते, क्योंकि मैं तुम्हारे मन और कुबुद्धि में चल रहे सभी दुर्विचारों को भली भांति पढ़ सकता हूं। केसरी पुत्र का जन्म भगवान आशुतोष के अनुग्रह से हुआ है, उसे अकेला छोड़ दो, अन्यथा परिणाम अत्यंत भयंकर होगा। युद्ध की चिंता करने वाले योद्धा को महानतम वाली कायर मानता है। आ व्यर्थ ही मेरी चिंता ना करे पिताश्री। पिता होने के नाते तुम्हारे हित और अनहित की चिंता करना मेरा कर्तव्य ही नहीं, मेरा अधिकार भी है। यदि तुमने अकारण केसरी पुत्र को कोई भी हानि पहुंचाई, तो स्वयं मैं देवराज इंद्र भी विधाता के प्रकोप से तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। यदि आप मेरे सबल विचारों को दुर्बल बनाने का प्रयास करने के लिए आए हैं, तो आप भी सुन लीजिए पिताश्री। अपने हित अहित की चिंता करने का सामर्थ्य आपके इस महानतम पुत्र में है। अब आप हट जाइए मेरे मार्ग से। कदाचित तुम्हें ये स्मरण नहीं है मेरे महानतम पुत्र कि तुम किससे बात कर रहे हो। मैं केवल तुम्हारा पिता इंद्रदेव ही नहीं, अभी तू देवराज इंद्र हूँ। कदाचित आपको भी अनुमान होगा कि मैं भी देवराज इंद्र का महानतम पुत्र वाली हूँ, जिसने कभी भी पराजित होना सीखा ही नहीं। और अब आप भी अपने पिता होने का कर्तव्य पूरा कीजिए और मुझ महानतम को विजयी होने का आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद ना देकर अच्छा ही किया, क्योंकि आज जीत मेरी ही होगी और उसका श्रेय भी मुझे ही जाएगा। संसार ये तो नहीं कहेगा कि आपके दिए हुए आशीर्वाद के कारण ही मैं जीत गया।
जिसने अपने आप को कुबुद्धि को समर्पित कर दिया हो उसे विनाश की ओर जाने से कौन रोक सकता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। हमें और फिल्म नहीं करना चाहिए नील, हमें अपनी पुरानी पाठशाला की ओर शीघ्र ही बढ़ना चाहिए। अरे मैं पुनः मारुति को अंजन लगाना भूल गई। तुम व्यर्थ चिंता कर रही हो प्रिय, मारुति जब लौट के आएगा तो उसे अंजन लगा देना। किंतु कुदृष्टि का टीका भी, आज मारुति प्रतियोगिता में जाने को इतना उतावला हो रहा था कि ना तो उसने ठीक से स्नान किया ना ठीक से दूध पिया, और तो और मैं उसे अंजन लगाना भी भूल गई। तुम कहो तो मारुति को अभी बुलावा भेजता हूँ प्रिय, ताकि तुम उसे अंजन लगा के चिंता मुक्त हो जाओ। आपका पवन वेगी पुत्र मारुति अब तक तो राजभवन से अत्यंत दूर चला गया होगा। रहने दीजिए आर्य पुत्र, जब वो लौट कर आएगा तब मैं उसे अंजन लगा दूंगी। माँ मारुति जाए ना। हाँ तुम जाओ पुत्र, मैं कांच उठवा रही हूँ। माँ आप कितने अच्छे हो। न जाने क्यों आज मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है। अंजना को अपने पुत्र मारुति की सुरक्षा की चिंता थी, वहीं वाली अपने भविष्य की चिंता से ग्रस्त था, और मायावी दानव वृक्षासुर अपने शत्रु केसरी नंदन को किसी भी स्थिति में अपना आखेट बनाने की चिंता में व्याकुल था, और सुग्रीव को चिंता थी अपने भाई वाली की, जो निरंतर अधर्म के मार्ग की ओर अग्रसर था। चिंताओं के उस भंवर में केवल एक मारुति का हृदय ही था जो चिंता मुक्त था। मारुति का निश्चल हृदय तो प्रतियोगिता के स्मरण मात्र से ही प्रफुल्लित हो रहा था, और प्रतियोगिता में विजय प्राप्ति के लिए अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के साथ साथ मारुति उसका भरपूर आनंद भी लेना चाहते थे। यह आगे का मार्ग तो इन कटीली झाड़ियों से बाधित है, अब क्या उड़कर हम पुरानी पाठशाला जाएंगे। थोड़ा ज्ञान मुझसे ले लो गंधमादन, कितनी बार तुम्हें समझाना पड़ेगा। आओ मित्रों मुझे ये हटाने में तनिक सहायता करो। तो कौन कह रहा था यहाँ से आगे जाने का मार्ग नहीं है। चलो ये! आजा केसरी नंदन मेरा आनंद धन आया।